सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मेक्रामार टीएचडी क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेक्राम क्रिसमस ट्री की हैंगर। और उसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन का एक कोट, रेड कलर की कोट, साथ में लाइटर, सीजर, बीट्स, बेल्स और टू की रिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक ग्रीन कलर की कोर्ड ले ली है। इसकी साइज़ है 4 मीटर और एक ग्रीन कलर की कोर्ड जो 4 मीटर की, उसको हम इस तरीके से पहले एक नोड में बना देंगे। और अब हम इसके बाद यही कोर्ड में बाकी की जो एक्स्ट्रे कोट रहेंगे उससे अटैच करेंगे। तो अभी ये दो कोट हो गई है, एक कोट कैसे फोल्ड कर तो दो कोट में कन्वर्ट हो गई है। फिर उसमें हमने एक काटा बीट्स को रखा। अब हम इसके बाद इसे दो कोट को ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक एक इधर कर देंगे। अब हम इसके बाद फिर जो एक कोट दिख रही है आपको लेफ्ट साइड वाली, वहाँ पर हम कोट को अटैच कर रहे। तो टोटल दो कोट, टू कोट्स अटैच करेंगे यहाँ पर एक साइड में। और जैसे इसे अटैच करें इसे एक और बार जो है दूसरे साइड से निकाल देंगे। ये देखिए राइट से निकाला, अब लेफ्ट से निकाला। अटैच करने के बाद एक बार और निकालना है। और ये जो कोट है इसकी साइज़ है 3.5 मीटर। अब ऐसे ही सेकेंड वाली कोट को भी अटैच कर देंगे। और जिस तरीके से अभी हमने टू कोट्स को अटैच करा है वैसे ही दूसरी साइड में भी ऐसे ही टू कोट्स को अटैच कर देंगे। उसकी साइज़ भी रहेंगी 3.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर की कोट इसकी साइज़ रहेंगी। तो दोनों साइड में दो कोट अटैच करेंगे, दो दो कोट। अब देखिए यहाँ पर हमने सेंटर वाली कोट ली है। अब सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो पाइपिंग है इसे बनाने का तरीका इस तरीके से है, ये सेंटर वाली कोट को लेंगे, इसे हम बाकी की सभी कोट के ऊपर रखेंगे। अब नीचे से एक कोट को लेंगे और ये ऊपर वाली कोट है इसके ऊपर से टू टाइम्स निकालेंगे, मतलब दो बार निकालेंगे। तो नीचे से एक कोट ली ये पहली बार और ये निकाला हमने दूसरी बार, तो दो बार हमने एक ही कोट को निकाला। अब ये जो एक लाइन की पाइपिंग है वो हमने लेफ्ट की तरफ बना दी है। अब दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ भी हम ऐसे ही एक जो लाइन है पाइपिंग की वो बना देंगे। तो देखिए दोनों ही साइड में हमने जो है पाइपिंग बना दी है। अब इसके बाद जो सेंटर में आप जो कोट देख रहे हैं वहाँ से हम डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो है हम यहाँ पर बलून डिज़ाइन को बनाएंगे। और ये बलून डिज़ाइन को बनाने के लिए 60 सेंटीमीटर की लाल वाली कोट, रेड कलर की कोट को लेंगे और इसे नीचे रखेंगे। अब हम सिंपल बेसिक नोट को बनाते जाएंगे। तो जैसे सिंपल बेसिक नोट बनाते हैं हम यहाँ पर कि राइट वाली कोट को देखिए लेफ्ट से, फिर लेफ्ट वाली कोट को राइट से निकालना है। दो बार ऐसे करने पर एक नोट इसमें बनती है। तो अब हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही नोट को बनाते जाएंगे। तो देखिए टोटल 4 सिंपल बेसिक नोट हमने बनाई है। 4 सिंपल बेसिक नोट बनाने के बाद अब जो सेंटर की जो 2 ग्रीन कलर की कोट थी उसको हम ऊपर से निकाल लेंगे। यही 2 ग्रीन कलर की हरी कलर की कोट के ऊपर ही हमने ये रेड कलर की कोट अटैच करी थी और ये नोट को हमने बनाया था। तो जैसे हम ग्रीन कलर की कोट ऊपर कर देंगे तो ये डिज़ाइन ऐसे अपने आप फिर ऐसे ऊपर की तरफ घूम जाएंगी। तो ये घूमने के बाद अब हम इसे अच्छी तरीके से अटैच हो जाए इसलिए एक सिंपल बेसिक नोट लास्ट एंड में बना देंगे। तो रेड कलर की कोट जो थी उसी की ही हमने एक नोट यहाँ पर बना दी है। अब इसकी जो कोट है इसे हम ऐसे कट कर देंगे, देखिए इसे कट करके इसे स्टिक अप कर देंगे।
देखिए ये जो जो पाइपिंग हम पहले बना रहे थे उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और अब हम नीचे भी इसकी पाइपिंग को बना देंगे। तो बस कोने से स्टार्ट करते हुए इसे सेंटर की तरफ ले जाएंगे। तो ये देखिए हमने जो है यहाँ पर पाइपिंग बना दी है। दो कोट जो है कॉर्नर साइड के उसके बेस पर ये पाइपिंग हमारी बन गई है। अब सेंटर की तरफ देखिए, सेंटर से जो है वहाँ से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ जो है इसके पाइपिंग हम बनाएंगे। तो बस वैसे ही हमको जो है एक एक कोट वन बाय वन करते हुए लेते जाना है, और जो पाइपिंग जैसे मैंने आपको तरीका बताया था दो बार निकालने का, बस वैसे ही निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग हमने करी है ऊपर से नीचे की तरफ। अब हम सेम ऐसे ही जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी ऐसे ही पाइपिंग को बना देंगे। और अब देखिए ये दोनों ही साइड में स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग ये बन जाने के बाद, अब हम एक्स्ट्रा की टू टू कोट्स को अटैच करेंगे दोनों ही साइड में। इसकी साइज रहेंगी 3 मीटर। तो दोनों ही साइड की जो कॉर्नर साइड की एक कोट है वहाँ पर हम दो दो ग्रीन कलर की कोट को अटैच करेंगे हरी कलर की कोट को, और जैसे अटैच करेंगे इसे दोनों ही साइड से एक बार और निकालेंगे। और ऐसे ही करते हुए लेफ्ट और राइट हैंड साइड में दो दो कोट अटैच करना है, 3 मीटर की इनकी साइज़ है। तो बस अटैच कर देंगे, और फिर उसके बाद जैसे अभी आपको डिज़ाइन बताई है पाइपिंग, और ये जो बलून डिज़ाइन थी रेड कलर की कोड में जो हमने बनाई है, सेम यही डिज़ाइन हमको नीचे भी बनाना है। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए अब हम फिर से पाइपिंग को बनाएंगे, इसे सेंटर से स्टार्ट करेंगे और नीचे कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए दोनों ही साइड में पाइपिंग बन जाने के बाद हमने सेंटर की 4 कोड ली है, जिसमें सेंटर की 2 कोड को ऐसे रखेंगे, उसे हम कहीं से भी नहीं निकालेंगे। और जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड की कोड है उसे ही घुमाएंगे 2 बार, राइट वाली कोड को लेफ्ट से, लेफ्ट वाली कोड को राइट से निकालेंगे। 2 बार ऐसा करेंगे, एक नोट बन जाएंगी। अब यही जो नोट हमने बनाई है इसकी 2 कोड, और जस्ट साइड वाली जो पाइपिंग की जो नोट कोड थी बची हुई वो 2 कोड, तो उसको लेकर
फोर कोड हो जाएंगे, फिर वही नोट बना सकते हैं। अब सेम वैसे जैसे ऊपर बनाया, जो भी नोट बने इसके दो कोड और उसके साइड की दो कोड, फिर वो लेकर नोट को बना देंगे। तो देखिए ऐसा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में ऐसे ही हम थ्री थ्री नोट को बना देंगे। अब देखिए जो लास्ट कोना वाली जो कोड है वहाँ पर हम एक काटा बीट्स, रेड कलर काटा बीट्स को ऐसे रख देंगे। अभी काटा बीट्स को रखने के बाद हम पाइपिंग की जो नोट रहती है उसको बना देंगे। तो बस ये बीट्स को रखने के बाद उसके जस्ट साइड की एक कोड ली है उसकी पाइपिंग बना दी। अब सेकेंड वाली कोड की भी सेम ऐसे ही पाइपिंग हम बना देंगे। तो दो कोड लेकर अभी हमने इसकी पाइपिंग बना दी है, अब सेम ऐसे राइट हैंड साइड की तरफ भी हम बना देंगे। हम देखिए दोनों ही साइड में इस तरीके से पाइपिंग बन जाने के बाद दो दो कोड की, अब सेंटर से हम कोड को लेंगे, सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और इसे नीचे की तरफ इस पाइपिंग को ले जाएंगे। तो दोनों ही साइड में सेम इसे करेंगे, सेंटर से नीचे की तरफ कॉर्नर साइड में ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हमारी जो पाइपिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके बाद फिर से एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करेंगे दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड के कोने वाली एक एक कोड में। तो यहाँ पर हम दो दो कोड अटैच करेंगे दोनों ही साइड में, इस तरीके से टोटल फोर कोड अटैच करेंगे। इनकी साइज़ रहेंगी 2 मीटर। तो दो दो कोड अटैच करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में, 2 मीटर की साइज़ इनकी। और जैसे अटैच करेंगे इसे एक एक बार और निकाल लेंगे, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो देखिए दोनों साइड में एक्स्ट्रा ही कोड अटैच कर दिया। अब हम इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे। तो बस सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर इसे नीचे की तरफ कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे।
अब देखिए सेंटा की जो दो कोड है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेंटा की दो कोड में जिस तरीके से हमने ऊपर ये बलून डिज़ाइन बनाई थी वैसे ही नीचे भी बनाएंगे। तो 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की लाल वाली रेड कलर की कोड है ये, और इसे हम ऐसे अटैच करेंगे और फिर सिंपल बेसिक नोट को 4 टाइम बनाएंगे, 4 बार बनाएंगे, मतलब 4 टाइम हमको ऐसे ही नोट को बनाते जाना है। फिर उसके बाद वैसे ही जैसा आपको पहले बताया था, सेंटर के दो ग्रीन कलर कोड को ऊपर की तरफ करके फिर एक नोट रेड कलर कोड की हेल्प से बताकर जो है ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम बलून डिज़ाइन बना रहे हैं इसके जस्ट साइड में भी हम बलून डिज़ाइन बनाएंगे, लेकिन एक बलून डिज़ाइन के जस्ट बाद की जो 2 ग्रीन कलर कोड है उसको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद एक बलून डिज़ाइन बनाएंगे। फिर ऐसे करते हैं, दो दो कोड छोड़ते हुए बलून डिज़ाइन को बनाना है। तो ये जो है हमारी एक बलून डिज़ाइन बनी, अब सेम ऐसे ही दूसरी वाली साइड की जो 2 ग्रीन कलर कोड दिख रही है आपको, 2 ग्रीन कलर कोड वहाँ पर भी हम ऐसे 60 सेंटीमीटर की रेड कलर की कोड को अटैच करके 4 टाइम नोट को बनाकर फिर वैसे ऊपर करके इन डिज़ाइन को बना देंगे। तो ये देखिए 1 2 2 जो है हमने 2 बार जो है अभी ये बलून डिज़ाइन बना दी। अब ये सेम दूसरी साइड के 2 कोड लेंगे फिर से, वहाँ भी ऐसे ही ये डिज़ाइन को बना देंगे। तो देखिए 3 बलून डिज़ाइन हमने बना दिए, अब सेम यही डिज़ाइन जो है राइट हैंड साइड की तरफ भी बना देंगे। तो ये जो 2 2 कोड्स हमने अभी आपको बताई है, बस उसी को उसी के बेस पर ही ये डिज़ाइन बनेंगी, ये देखिए, फिर उसके बाद वाली 2 कोड, फिर उसके बाद वाली 2 कोड। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने टोटल जो है 5 बलून डिज़ाइन बना दी है। अब इसके बाद पाइपिंग को बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए सेंटर से स्टार्ट करेंगे पाइपिंग को बनाना। तो ये 5 बलून डिज़ाइन बन जाने के बाद सेंटर से ही पाइपिंग बनाने स्टार्ट होंगी। तो सेंटर वाली कोड लेकर जिस तरीके से पाइपिंग का तरीका आपको बताया था बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ कर लेंगे और कॉर्नर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो दोनों ही साइड में हमको पाइपिंग को बना देना है। तो देखिए लास्ट एंड में आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी 2 कोड की स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग, मतलब ऐसे लेफ्ट की तरफ वाली पाइपिंग करी थी। जैसे हम सेंटर से हमने जैसे पाइपिंग नीचे बनाई तो ऐसे नीचे की तरफ कॉर्नर साइड में लेकर, तो इस तरीके से ट्रायंगल का शेप आप कॉर्नर साइड में देख सकते हैं। तो ये शेप आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि एक ट्री का इसमें लुक दिखे, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा।
पहले स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग तो करी थी, फिर ये सेंटर से पाइपिंग स्टार्ट करी थी, उससे नीचे की तरफ देखा था तो ऐसा थोड़ा सा कॉर्नर में गैप दिखेगा तो ये ट्री का शेप बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये ट्री का शेप दिखेगा लास्ट कॉर्नर की, ये जो वी शेप की पाइपिंग जो बनी है उसके बेस पर। अब इसके बाद जो है हम फिर से जो है पाइपिंग को सेकेंड लाइन की पाइपिंग दोनों साइड में बना देंगे, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। और अब जो है अब हम सिंपल बेसिक नोड को बनाएंगे, जैसे ऊपर हमने बनाया था एक नोड, फिर वो नोड बन जाने के बाद उसकी दो कोड और साइड के दो कोड मिलाकर फिर नोड, तो ऊपर वाली जैसे नोड बनाई है वैसे यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी हम वैसे नोड बना देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक लाइन जो है नोट की हमने बना दी। अब कॉर्नर की एक कोड लेकर वहाँ पर एक काटा बीट्स को, रेड कलर काटा बीट्स को ऐसे अटैच कर देंगे और दो कोड की स्ट्रेट लाइन की देखिए सीधी पाइपिंग जो है ऐसे बनाएंगे। तो अब जो सेंटर से जो हम पाइपिंग बनाएंगे तो वो जब नीचे आएंगी तो यहाँ पर कॉर्नर साइड में ऐसा गेप दिखा जैसे ट्री का शेप आता है वैसा दिखेगा, वी शेप ट्रेंगल का, तो ये दिखना बहुत ही ज़रूरी है तभी इसका लुक अच्छा दिखेगा। तो बस इसी बात का ध्यान देना है। अब यहाँ पर भी देखिए दूसरी साइड में भी नोड बनाएंगे स्ट्रेट लाइन की, जो है दो से तीन कोड स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग के रखेंगे ऐसी सीध में। थ्री कोड ली हमने यहाँ पर अभी पाइपिंग की, क्योंकि बड़ी डिजाइन है, पहले दो कोड ही ले रहे थे क्योंकि छोटी थी इसकी साइज़, अब बड़ी हो गई है तो थ्री कोड हमने पाइपिंग में इसमें ली है। अब इसके बाद ये तो स्ट्रेट लाइन की बात करी हमने, अब जो सेंटर से पाइपिंग बनेगी उसकी बात करें तो सेंटर से स्टार्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। अब हमने एक्स्ट्रा की दो दो कोड हमको अटैच करना है, तो ये पहली कोड और दूसरी कोड भी इसे अटैच करेंगे, दो कोड लेफ्ट में दो कोड राइट में। इनकी साइज रहेंगी 1 मीटर, 1 मीटर की दो दो कोड, टू टू कोड्स अटैच करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉर्नर वाली कोड में। अब देखिए फिर से हमने सेंटर की ही कोड ली है, दोनों ही कोड को ऐसे रखेंगे और फिर इसकी पाइपिंग भी हम ऐसे ही बना देंगे। तो देखिए हमने ये पाइपिंग बना दी है दोनों ही साइड में। अब जो सेंटर की दो कोड थी वहाँ पर हम फिर से 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की रेड वाली लाल कलर की कोड को ऐसे रख कर 4 टाइम 4 टाइम सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे और जैसे बलून डिज़ाइन ऊपर हमने बनाई थी वैसे यहाँ पर भी बनाएंगे।
अब देखिए, ये जैसे पूरी लाइन हमने ऊपर कंप्लीट करी थी, वैसे नीचे भी यहाँ भी ऐसे ही बलून डिज़ाइन को बना देंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5, इस तरीके से इतनी बलून डिज़ाइन हमने यहाँ पर बना ली है। और जैसा हमने पहले एक बलून डिज़ाइन के बाद के जो दो कोड़े उसको छोड़ दी थी, वैसे यहाँ पर भी करा है। एक बलून डिज़ाइन के बाद दो कोड छोड़ी, फिर एक बलून डिज़ाइन बनी, फिर दो कोड छोड़ दी है, फिर एक बलून डिज़ाइन बनी, फिर टू कोड छोड़ दिए। तो टू टू कोड्स छोड़ कर ही बलून डिज़ाइन बनी है। और अब देखिए, अब हम स्ट्रेट लाइन की थोड़ी सी पाइपिंग जो है थ्री कोड के बेस पर ये स्ट्रेट लाइन की ऐसी पाइपिंग बना देंगे। अब इसके बाद सेंटर वाली जो कोड है वही से पाइपिंग को स्टार्ट करेंगे बनाना और नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब देखिए, हमने सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करा था, इसे कॉर्नर की तरफ इस तरीके से लेकर। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा की टू टू कोड्स दो ही साइड में अटैच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और जैसे हम इसे अटैच करेंगे, इसे एक एक बार और निकालेंगे दोनों ही साइड से। तो इनकी साइज़ है 70 सेंटीमीटर की, इनकी साइज़ है। दो दो कोड टू टू कोड्स दो ही साइड में अटैच होंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो देखिए, दोनों ही कोड अटैच हो जाने के बाद फिर हम सेंटर में जिससे अभी ये डिज़ाइन बना रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर भी बनाएंगे। सेंटर से पाइपिंग को बनाए स्टार्ट करेंगे और सेंटर से पाइपिंग बनाए स्टार्ट करते हुए इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, टू लाइन की पाइपिंग हमने करी है दोनों साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो अब हम इसके बाद जो है सेंटर की फोर कोड लेकर सिंपल बेसिक नोट जो बनाते हैं, एक सिंपल बेसिक नोट वो बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस देंगे, जगह देंगे, फिर उसके बाद नोट को बनाएंगे। अब यहाँ पर भी सेम वैसे ही सिंपल बेसिक नोट बनाएंगे, जो भी नोट बनेंगे उसकी दो कोड और साइड वाली दो कोड लेकर फोर कोड हो जाएंगे और एक नोट ऐसे बना देंगे। तो हमने यहाँ पर फिर से स्पेस दिया, गेप कराए, फिर उसके बाद हम नोट को बना रहे हैं। अब ऐसी लाइन जो है हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे, गेप देंगे, स्पेस ज़रूर देंगे। तो देखिए, दोनों ही साइड में ये डिज़ाइन बन गई। अब हम इसके बाद जो है सेंटर की
टू कोड लेंगे, सेंटा के टू कोड में यहाँ पर हम जो जिस तरीके से बलून डिजाइन हमने ऊपर बनाई थी वैसे नीचे भी बनाएंगे। 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की रेड कलर की कोड है उसको हम लेकर वही ये बलून डिज़ाइन फिर से बना देंगे। अब ये डिज़ाइन इस तरीके से बन गई। अब इसके बाद जो है फिर से जो सिंपल बेसिक नोड रहती है वही हम यहाँ पर भी बना देंगे। तो देखिए पहले ऊपर की नोड बनाई, फिर बलून डिज़ाइन सेंटर में, फिर नीचे भी नोड बनाई है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन हमने बनाई यहाँ पर। अब इसके बाद जो है इसकी पाइपिंग जो है वो हम बना लेंगे। तो जस्ट ये डिज़ाइन बन जाने के बाद फिर जो है पाइपिंग को हमको ऐसे बनाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ से हम पाइपिंग बनाना स्टार्ट कर रहे और अब जो है हम नीचे की तरफ इसकी पाइपिंग ले जाएंगे बनाते हुए। अब देखिए अब हम ऐसे ही दूसरे साइड में भी ऐसे ही पाइपिंग को बना देंगे। तो बस वही से पाइपिंग स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ इसकी पाइपिंग ले जाएंगे। तो ये जो है दोनों साइड में हमने पाइपिंग बना दी। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी सेम ऐसे ही बना देंगे इसी के साथ साथ जॉइन करते हुए। तो अब देखिए जिस तरीके से हमने लेफ्ट साइड में ये नोड बनाई है और ये बीट्स को अटैच करा है वैसे ही दूसरी साइड में भी हम ऐसे ही बना लेंगे ये डिज़ाइन। पहले नोड बनाएंगे नीचे की तरफ स्पेस देकर, फिर बीट्स को अटैच करेंगे, फिर नीचे की तरफ फिर से नोड को बना देंगे।
तो ये दोनों ही साइड में हमने इस तरीके से डिज़ाइन बना दी है। अब इसके बाद कॉर्नर की एक कोर लेकर वहाँ पर हम बीट्स को रख देंगे, और बीट्स को रखने के बाद अब जो है पाइपिंग को हम बना देंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग हम बनाएंगे, दोनों ही साइड से बनाते हुए सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। अब देखिए इसके जो कोड है इसको हम कट कर देंगे, जो साइड की जो कोड है उसको कट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ सेंटर की ही कोड जो है रहने देंगे, बाकी लेफ्ट और राइट साइड के कोड को कट कर देंगे। तो आप अपने हिसाब से देख भी सकते हैं कि कौन सी कितनी कोड आपको सेंटर में रखना है, तो उस हिसाब से जो है आपको आप कोड कट कर सकते हैं। और आप चाहे तो ये कोड जो हम कट करें उसे स्टिक भी कर सकते हैं, या फिर लाइट के से ऐसे हल्का सा से घुमा दीजिए ताकि इसका कोई भी थ्रेड निकले ना, और इस तरीके से भी डिज़ाइन को रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जितने भी आप चाहे तो अपने मन से कोड छोड़ सकते, तो इतनी हमने कोड छोड़ी है, कम से कम यहाँ पर करीब 10 कोड्स तो हमने यहाँ पर छोड़ी ही है। तो 7 to 10 कोड्स के बीच में यहाँ पर इतने कोड हमने रखी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो है अब हम नोट को बना देंगे, और बस सिंपल बेसिक नोट जैसे हम बनाते हैं वैसे कंटिन्यूसली हमको बनाते जाना है, और सेंटर में सभी कोड को ऐसे ही रखना है, बस एक एक कोड जो कॉर्नर साइड की बस वही घूमते जाएंगे। तो देखिए 8 to 9 टाइम्स हम जो हमने सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है, अब हम इसके कोड को कट कर देंगे। कट करने के बाद एक कोड में एक पेंसिल को रखकर लाइटर के से दूसरे कोड से स्टिक इसे हम कर देंगे। अब सभी कोड में ऐसे ही हमको बेल्स को अटैच करना है। अब जो की हैंगर रहेंगे उसे भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे, तो ये एक बलून डिज़ाइन था सेंटर में, वहाँ पर की हैंगरिंग हमने अटैच कर दी। यहाँ पर आप कोई भी चाबी टांग सकते हैं इस पर, इसलिए हमने इसे अटैच करा है। तो ये देखिए ऊपर साइड भी एक और की हैंगरिंग, आप चाहे तो ज़्यादा की हैंगरिंग भी इसमें अटैच कर सकते हैं, और चाबी जो की रहती है उससे हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा मेकरम का क्रिसमस ट्री बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, कलरफुल है, सिंपल डिज़ाइन है, ईजी वे में कम टाइम में कम मेकरम में जो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। और ये बनने के बाद बहुत ही कलरफुल लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो रेड कलर हमने यूज़ करा है इससे जो है जिस तरीके से लाइट रहती है क्रिसमस ट्री में, तो उसका लुक देने के लिए हमने इस तरीके से कलरफुल इसमें यूज़ करा है। तो ये जो है ग्रीन और रेड कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, सिंपल है, बस नोट बनाना है और पाइपिंग बनाना है, तो कम टाइम में आप इसे बना सकते हैं। और की हैंगर है तो की को हैंग करने के लिए भी इसे यूज़ करा जा सकता है। तो इस किस और अभी जो है क्रिसमस डे भी आने वाला है, तो उसे और भी स्पेशल खास बनाने के लिए इस क्रिसमस ट्री को ज़रूर बनाइएगा, और अपने घर को डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से मेकरम क्रिसमस ट्री से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारा इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, और साथ में हमारे चैनल मेकरम आर्ट की क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।